असलम फ्रेंड्स यू इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन आई हैवर ड्रीम मेरा एक ख्वाब है रिटन बाय मार्टिन लूदर किंग जूनियर तो फ्रेंड्स ये लेसन जो हमारा है ये बेसिकली मार्टिन लूदर की एक स्पीच है जो उन्होंने नेग्रोज के लिए हम लोगों की हकूक़ के लिए जो तहरीक चलाई थी और ये स्पीच उन्होंने कब डिलीवर की थी ये इन्होंने डिलीवर की थी 1960 टू में इसके बारे में जो शॉर्ट समरी है वो आप इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं इस वीडियो में आप डिटेल से ये लेसन पढ़ेंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं फाइव स्कोर ईयर्स अगो स्कोर्स स्कोर कहते हैं बीस को बीस साल को तो अब यहाँ पर बात हो रही है फाइव स्कोर्स की तो फाइव स्कोर्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी हो गए तकरीबन वन हंड्रेड के सौ साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन अज़ीम अमरीकी तो अज़ीम अमरीकी कौन है अब्राहम लंकन की यहाँ बात कर रहे हैं इन होज सेंबॉलिक शेडो सम्बोलिक होता है अलामती शेडो शेडोसाए जिनके अलामती सय में वही स्टैंड हम खड़े हैं दस्तखत करना इमेंसपेशन इमेंसपेशन होता है आज़ादी रिहाई या फिर निजात प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान करना या ऐलानिया अब क्या कह रहे हैं कि सौ साल पहले अजीम अमरीकी जिसके सय में हम आज भी खड़े हैं आज़ादी के एलानिए पर उन्होंने दस्तखत किए थे दिस मोमेंटियस डिग्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स क्या कह रहे हैं दिस मोमेंटियस डिग्री मोमेंटस होता है तारीखी यादगार डिक्री डिक्री कहते हैं हुक्म को या किसी फरमान को केम ऐसा ग्रेट बेकन लाइट बेकन लाइट क्या होता है कि जो रोशनी उम्मीद की किरण आप जिसको कह दें उम्मीद की किरण साबित हुई टू मिलियंस ऑफ नेग्रो नेग्रो हबशी को कहते है स्याफ हैं स्याफाम जो स्लेव्स हैं स्याफाम नस्ल के जो ग़ुलाम होते हैं उन्हें अब क्या कह रहे हैं कि इस तारीखी जो फरमान है इसके नतीजे में क्या हुआ था कि सियाफाम नस्ल के जो गुलाम थे उनके लिए ये दस्तखत करना एक उम्मीद की किरण साबित हुई थी हुड बीन सियर्ड इन दिस फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस जो कि सियर्ड होता है झुलसना झुलस रहे थे इन दी फ्लेम्स फ्लेम्स कहते हैं शोलों में जो कि शोलों में झुलस रहे थे ऑफ विदरिंग विदरिंग होता है मुरझाना इन जस्टिस उन गुलाम ग़ुलामों की बात हो रही है सियाफाम जो कि सख्त नाइंसाफी के शोलों में झुलस रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अमेरिका में नेगरोज़ को बिल्कुल भी कोई राइट हासिल नहीं थे ना ही उन्हें आ, गोरों के होटल में जाने का हक हासिल था ना स्कूल्स में जाने का ना उन्हें इवन के वोट डालने का भी हक हासिल नहीं था तो इस वजह से वो नाइंसाफ़ी के शोलों में झुलस रहे थे कि अमेरिका की सोसाइटी में रहते हुए भी उन्हें बराबर राइट नहीं मिल रहे थे एज आ ह्यूमन बीन उन्हें बराबर के राइट मिलने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं था इसलिए वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने अब्राहम लंकन ने साइन किए आज़ादी के लामिया पर तो थोड़ी सी इन्हें खुशी हुई कि अब जो है नेगरोज़ को उनके हकूक़ मिल जाए लेकिन सौ साल गुजरने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ इट केम एस अ जॉइस डे ब्रिक टू एंड लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी कैप्टिविटी होता है गुलामी। क्या कह रहे हैं इट केम अ जॉइस जॉइस होता है, है ख़ुशी वाली ना कहते हैं कि ये जो बहुत खुशी की सबके लिए खुशकुन सुबह साबित हुई डे ब्रेक सुबह की जो रोशनी होती है ना कि खुशी की रोशनी सुबह की रोशनी साबित हुई टू एंड जो कि ख़ात्मा कर देगी लॉन्ग नाइट लंबी रात का किस चीज़ की लंबी रात कैप्टिविटी कहते हैं गुलामी को अब उन्होंने आज़ादी और गुलामी को ना यहाँ पे दो चीज़ों से तशबी दी है गुलामी को तशबी दी है रात से और आज़ादी को तशबी दी है सुबह से डेब्रिक क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि ये गुलामी की जो तवील रात है उसको ख़त्म कर देने वाली जो है खुशकुन सुबह साबित होगी नेगरोस के लिए बट वन हंड्रेड ईयर्स लेटर लेकिन एक सौ साल के बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री वन हंड्रेड ईयर्स लेटर वई मस्ट फेस हमें अभी भी सामना है ट्रेजिक फैक्ट ट्रेजि ट्रेजिक होता है अफसोसनाक फैक्ट हकीकत के इस अफसोसनाक हकीकत का हमें आज भी सामना है कि नेग्रो सियाफ़ाम या हपशी स्टिल नॉट फ्री वो अभी भी आज़ाद नहीं हैं वन हंड्रेड ईयर्स लेटर एक सौ साल बाद भी लाइफ ऑफ द नेग्रो सियाफ़ाम की जो जिंदगी है इस स्टिल सैडली क्रिपल्ड वो अभी भी बहुत बुरे तरीके से क्रिपल्ड क्रिपल्ड होता है अपाहिज या माजूर कह लें वो अभी भी माज़ूर है बाई दी मेनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन मेनिकल्स का मतलब होता है हथकड़ी लगाना या बेड़ी बेड़ी डालना सेग्रीगेशन होता है अलग कर देना अलीहदा कर देना किस बिना पर नस्ली या मजहबी बुनियाद पर जो अलहदगी होती है उसे कहते हैं सेग्रीगेशन तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हबशी जो है वो अभी भी क्रिपल्ड uh, जकड़े हुए हैं किस चीज़ में मेनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन नस्ली या मजहबी बुनियाद की हथकड़ियों में एंड दी चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चेन कहते हैं जंजीर को डिसक्रमिन डिसक्रमिनेशन होता है इम्तियाज़ या फ़र्क कहते हैं कि सौ साल बाद भी सियाह फाम की जो ज़िंदगी है वो अभी भी अलहदगी की हथकड़ियों और तफरीक की या इम्तियाज़ की जंजीरों में जकड़ी हुई है वन हंड्रेड ईयर्स लेटर एक सौ साल के बाद भी Negro lives ऑन a लोनली आईलैंड ऑफ पोवर्टी पोवर्टी कहते हैं गुर्बत को लोनली अकेला आईलैंड जजीरा इन द midst ऑफ वास्ट ओशन midst कहते हैं दरमियान को वास्ट ओशन वो सी समंदर. मटीरियल प्रोस्पेरिटी मटीरियल मादी प्रोस्पेरिटी खुशहाली क्या कह रहे हैं अब वो कि एक सौ साल के बाद भी जो नेग्रो है सिया फाम है वो रहता है ग़र्बत के तनह जज़ीरे पर अकेला रहता है इन द मिडस्ट दरमियान में किसके वास्ट ओशन वो सी समंदर के दरमियान में ऑफ मटीरियल प्रोस्पेरिटी जो वहाँ पर मादी खुशहाली है मादी खुशहाली के वसी समंदर के दरमियान में आज भी वो उस ग़र्बत के ज़ज़ी पर तनहा ज़िंदगी गुजार रहा है 100 years later, 100 years ago, the Negro is still languished in, this, in the corners of American society. कहते हैं कि 100 साल के बाद अभी तक स्टिल अभी तक लैंग्विस्ड होता है तरसना या तड़पना इन दी कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी कि अभी तक सियाफ़ाम जो हैं अमेरिका के किसी कोनों कुदरों में तरसते रहते हैं या तड़पते रहते हैं चीज़ों के लिए एंड फाइंड हिमसेल्फ सेल्फ़ एंड एग्ज़ाइल इन हिज़ आउ लैंड और फाइंड अपने आप को पाते हैं एग्जाइल होता है कि जिला वतनी करना कि अपनी ही ज़मीन में अपने आप को इस तरह समझते हैं कि उन्हें वतन बदर कर दिया गया है मतलब मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है सो वी हैव कम हीयर टूडे लिहाजा आज हम यहाँ आए हैं दी ड्रामेटाइज एंड अपोलिंग कंडीशन ये जो ड्रामाटाइज होता है ड्रामाई अंदाज वाला जो ये अब मंज़र बना हुआ है अपोलिंग कंडीशन अपोलिंग होता है खौफनाक कंडीशन हालत के ये जो खौफनाक है या हालत है हम इसको यहाँ पर तब्दील करने के लिए आज आए हैं इन अंस एक तरह से कैश है चेक कि हम यहाँ पर नेशंस कैपिटल के अपने मुल्क का जो दारुल हकूमत है यहाँ पर इसलिए आए हैं टू कैश आ चेक ताकि हम एक जो चेक है उसको कैश करा सकें यानी कि अपने जो नेग्रोज हैं उन्हें उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो दिलवा सकें वन दी आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर रिपब्लिक जो कहते हैं आर्किटेक्ट मामार हमारे मुल्क के जो कहते हैं मामार थे यहाँ आर्किटेक्ट से मुराद है कानून साज लोग यानी कि जब कानून बनाने वाले जो लोग हैं रोट उन्होंने लिखे दी मैग्नीफिशेंट वर्ल्ड मैगनीफिशेंट होता है शानदार अल्फाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइन पर एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और जब उन्होंने डिक्लेरेशन ऐलान किया था इंडिपेंडेंस आज़ादी का क्या कह रहे हैं कि जब मामार मुल्क के जो मामार थे आइन और आज़ादी का जो ऐलान होने वाला था उस पर शानदार अल्फाज उन्होंने लिखे थे वर साइनिंग तो वो साइनिंग दस्तखत कर रहे थे आप प्रोमिजरी प्रोमिजरी होता है माहिदा वादा प्रोमिजरी नोट एक वादे के नोट पर टू विच एवरी अमेरिकन वाज टू फॉल एर कहते हैं कि वो एक मुहाइदे की ऐसे मुहाइदे की दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे जिसका जो अर यानी कि वारिस जो है हर अमेरिकी शहरी था दिस नोट वाज आई प्रोमिस दैट ये जो नोट है ये जो माहिदा था ये एक प्रॉमिस था एक वादा था एक अहद था दैट ऑल मैन वुड बी के तमाम आदमी जो हैं वुड बी गारंटीड गारंटी होता है ज़मानत के साथ उन्हें ज़मानत के साथ अन एलिनीबल ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड दी परसूर्स ऑफ हैप्पीनेस किस चीज़ की वादा कर रहे थे साइन करते हुए गारंटी दे रहे थे अन राइट्स ऑफ लाइफ के ज़िंदगी की खुशी पाने की जो मुस्तकिल खुशी है वो लिबर्टी आज़ादी की परसोर्स ऑफ हैप्पीनेस और तमाम इंसानों को ख़ुशी की ज़मानत अब किन किन चीज़ों की कह रहे हैं कि ये एक ऐसे इस चीज़ का वादा था कि जिसमें तमाम इंसानों को जीने की आज़ादी खुशी पाने की और उनके जो हकूक़ हैं इन सब चीज़ों की आज़ादी दी जाएगी इट इज़ ऑबियस टू डे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टिड ऑन दिस प्रिजरी नोट इन सो फार एज अर सिटीज़न ऑफ कलर आर कंसर्न ये बात आज वाज हो चुकी है कि अमेरिका जो है इस प्रमिज़री नोट जो उसने माहदे पर दस्तखत किए थे उस पर उसने क्या किया है अपने शहरीों का रंग है जहाँ तक उस रंग का गलत इस्तेमाल किया है जहाँ तक शहरीों के रंग की बात है यानी कि नेग्रोस को उन्होंने बिल्कुल भी राइट नहीं दिए इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन ऑनरिंग होता है इज़्ज़त देना सेक्रेट ऑब्लिगेशन ये जो मुकद्दस ऑब्लिगेशन होता है फरीज़ा कि इस मुकद्दस फ़रीजे को इज़्ज़त देने की बजाय अमेरिका हैज़ गिवन दी नेग्रो पीपल अ बैड चेक कहते हैं कि इसको इज़्ज़त देने की बजाय अमेरिका ने सियाह फाम लोगों को एक बहुत ही बुरा चेक दिया है अ चेक विच हैज़ कम बैक एक ऐसा चेक जो कि वापस कर दिया गया है मार्क्ड इस बात के साथ इन फंड्स फंडस के जिसमें क्या लिखा है कि ना काफ़ी रकम कि आपके अकाउंट में इतनी रकम ही नहीं है जिसको आप कैश कराना चाहते हैं यानी कि अमेरिका ने उस माहे पर दस्तखत करने के बाद भी कोई राइट नहीं दिए बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट लेकिन हम इस बात पर यकीन करने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का जो बैंक है बैंकप्ट होता है दिवालिया हो जाना कि इंसाफ का बैंक दिवालिया हो चुका है वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट हम इस बात पर भी यकीन करने से इनकार करते हैं देर आर इनसफिशेंट फंड इन द्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ़ दिस नेशन के यहाँ पर नाकबले काफ़ी फ़ंड्स हैं यानी कि इस कौम में अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन के इस कौम की जो मौक़े वाली जो कॉम है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं तो इसके वॉल्स इस वॉल्स का मतलब होता है छत कि इसकी छत के तले ना काफ़ी रकम मौजूद है हम नहीं इस बात को मानते सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक लिहाजा हम इस चेक को कैश कराने के लिए आए हैं अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांडेड डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एक ऐसा चेक जो हमें देगा डिमांड जो कि हमारा मुतालबा है और कौन सा मुतालबा है रिचेज ऑफ फ्रीडम के आज़ादी की दौलत ये चेक हमें देगा एंड दी सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस और क्या देगा सिक्योरिटी ज़मानत देगा जस्टिस इंसाफ की और हमें इंसाफ की जमानत ये चेक दिलाएगा वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हलोड स्पोर्ट टू रिमाइंड अमेरिका हम यहाँ पर आए हैं हलोड होता है मुक़दस स्पोर्ट मकाम पर इस मुकदस मकाम पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका अमेरिका को याद दिलाने के लिए एंड दर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ कि ये इस बात की इस वक्त की शदीद ज़रूरत है या इस वक्त की सख्त अहमियत है कि हमें अब यह काम करना चाहिए कि नेगरों को उनके जो राइट्स हैं वो देने चाहिए दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन दग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ़ और टू टेक द्रेंकुलाइजिंग ऑफ ग्रेजुअलिज़म कहते हैं कि ये अब वक्त नहीं है इंगेज होता है बिज़ी रखना अपने आप को मसरूफ रखना इन दी लग्जरी लग्जरी होता है आराम आराम में कूलिंग ऑफ कूलिंग ऑफ ठंड की कि ठंड की ऐश में अपने आप को मसरूफ़ रखने का वक्त नहीं है और टू टेक द्रेंकलाइजिंग ऑफ ग्रेजुअलिज़म और या फिर ट्रैंकुलेजर होता है जो ख्वाब आवर दवा के आराम करने के लिए ख्वाब आवर दवा पीने का वक्त नहीं है यानी कि आप बस आंखें बंद कर लो ये वक्त नहीं है नाउ इट इज़ द टाइम टू मेक रियल द प्रमिस ऑफ डेमोक्रेसी अब कहते हैं कि ये वो वक्त है कि जमहूरीत के वादों को हकीकत बनाने का वक्त है नाउ इट इज़ द टाइम टू राइज़ फ्राम द डार्क अब यह वक्त है कि हमें अंधेरों से उठना चाहिए एंड डेजोलेट वैली डेजोलेट होता है वेरान वादी से भी हमें उठना चाहिए ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन क्या अलहदगी की नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद पर जो उन्हें अलग कर कर रखा है उसकी वादी से हमें उठना चाहिए कहाँ उठना चाहिए टू द सनलिट सनलिट सूरज की रोशनी की तरफ सनलिट पाथ ऑफ रेशअल जस्टिस कहते हैं कि हमें नस्ली जो इंसाफ है उसके रास्ते उसकी रोशनी के रास्ते की तरफ अब हमें चलना चाहिए या या आगे बढ़ना चाहिए नाउ इट इज़ द टाइम टू ओपन द डोर्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन कहते हैं कि अब ये जो हमारा वक्त है ये तमाम खुदा की मखलूक या खुदा की जो औलाद है खुदा की मखलूक के लिए आ, नए मौाक़े खोलने का मवाक़ों के जो डोर्स हैं अपॉर्चुनिटी डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मौाकों के दरवाजे खोलने का वक्त है नाउ इट इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन अब यह वक्त है लिफ्ट होता है उठाना कि हम अपनी कॉम को उठाएं फ्रॉम द क्विक क्विक स्टैंड क्या होता है दलदल क्विक स्टैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस कि हम अपनी कौम को नस्ली ना इंसाफ़ी की जो दलदल है उसमें से ऊपर उठाएं, टू दिस सॉलिड रोक और उन्हें मज़बूत चट्टान तक ले जाएं। कौन सी मजबूत चट्टान ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे की मज़बूत चट्टान पर रखने का वक्त है अपनी कौम को इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन फाटिल होता है मोहलिक होना ये कौम के लिए बहुत ज़्यादा मोहल्ल साबित होगा टू ओवर लुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट के इस लम्हे की जो अहमियत है उसको नज़रअंदाज अगर किया गया एंड टू अंडर इस्टीमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो और अंडर हकीर जाना डिटर्मिनेशन होता है इरादों को कि अगर सियाहम के इरादों को उनके अजाइम का गलत अंदाज़ा लगाया तो ये कौम के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होगा दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द दि नेगरोट डिसकंटेंट विल नॉट पास अनटिल देयर इज़ एन इनविगोरेशन ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड एकटी क्या कह रहे हैं अब वो कि दिस स्वेल्टरिंग समर स्वेल्टरिंग क्या होता है तपिशदार समर गर्मी के ये जो पा देने वाली गर्मी है ना बहुत तेज़ गर्मी ऑफ दी नेग्रोस लेजेसिमेट लेजेसिमेट होता है जाइज़ या कानून क्या कहते हैं कि सिया फार्म को उस टाइम उस वक्त तक उनका ये गर्म मौसम जो है ख़त्म नहीं होगा जब तक डिसकंटेंट होता है अदम इत्मीनान नहीं होगा नोट पास देयर इज़ कि जब तक वहाँ पर क्या नहीं आएगा कि इन्वेगोरेशन का मतलब होता है तकवीत देना ज़िंदगी या तो बख्शना ऑटम ख़ज़ा कि ऐसा मौसम नहीं आएगा उनके लिए कि जो उनको मसावात को तकवीत देगा यानी कि उनको बराबरी देगा वो फ़्रीडम आज़ादी को एंड इक्वलिटी बराबरी यानी कि उनकी आज़ादी और मसावात को तकवीत देने वाला जब तक अच्छा मौसम नहीं आएगा उस वक्त तक उनके लिए झुलसा देने वाला समर या गर्मियाँ ख़त्म नहीं होंगी नाइनटीन सिक्सटी थ्री इज़ नाट एन एंड उन्नीस सौ तिरसठ जो है ये अख्ताम नहीं है बट आ बिगनिंग लेकिन ये तो एक आगाज है दोज हु होप डट दी नेट्रो नीडिड टू ग्लो ऑफ स्टीम एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव अ रूड वॉकिंग इफ़ द नेशन रिटर्न टू द बिजनेस एज़ यूज कहते हैं कि वो लोग जो उम्मीद करते हैं कि नेगरो को सिया फाम को अपनी जो ये तहरीक है ये ख़त्म कर देनी चाहिए तो वो कभी भी मुतमिन नहीं होंगे कहता है कि उनको ऐसे चौंका देने वाले इनकलाब से वास्ता पड़ेगा देर विल बी नाइदर ट्रेस्ट नो ट्रैंक्वेलिटी इन दी अमेरिका अनटिल द नेगरोज़ ग्रांटिड सिटीजनशिप राइट्स citizen, कहते हैं कि अमेरिका में कोई भी आराम या सुकून नहीं होगा जब तक वहाँ के सियाफ़ाम लोगों को उनके बराबर के शहरी हकूक ना दे दिए जाए दिल वाइन्स ऑफ़ रिट होता है कि बगावत का जो ये शदीद तूफान है विल कंटिन्यू यह जारी रहेगा टू शेक द फाउंडेशन बुनियादों को हिलाता रहेगा ऑफ आवर नेशन हमारी कौम की अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज यहाँ तक कि इंसाफ का जो रोशन दिन है जब तक वो तलु ना हो जाए बट देयर इज़ समथ दैट आई मस्ट से टू माई पीपल कहते हैं कि लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं ज़रूर अपने लोगों से कहना चाहूँगा हुटैंड ऑन दाम थ्रेश होल्ड जो कि खड़े हैं गर्म थ्रेश होल्ड होता है दहलीज़ जो कि गर्म दहलीज़ पर खड़े हैं विच लीड्स इन टू द पैलेस ऑफ जस्टिस जो कि उन्हें लीड्स ले जाएगी पैलेस महल तक किसके महल तक ऑफ जस्टिस इंसाफ के महल तक ले जाती है इन द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस कि हमें हमारी सही मकाम सही जगह हासिल करने का जो ये प्रोसेस है यह मरहला है वी मस्ट नाट भी गिलिटी ऑफ रॉन्गफुल डेड्स तो हमें अपने आप को गलत कामों में मशगूल मशु, होकर अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना लेटस नोट सीक टू सेटिसफाई आवर थ्रस्ट फॉर फ़्रीडम हमारी जो आज़ादी के लिए जो प्यास है हम उसको नहीं बुझाएंगे बाई ड्रिंकिंग फ्राम द कप कौन से कप से ऑफ बिटरनेस एंड हेटरड के तलखी और नफ़रत के कप से हम अपनी जो आज़ादी की प्यास है उसको हमें नहीं बुझाना चाहिए वई मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन दी हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसप्लिन हमें हमेशा अपनी जो जिदोजहद है उसे इज़्ज़त वकार और uh, डिसप्लिन नज़मा ज़ब्त के दायरे में रह कर करना चाहिए वई मस्ट नोट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डी जेनरेट इन टू फिज़िकल वायलेंस हमें जो है अपने तख्लीकी प्रोटेस्ट को यानी कि एहतजाज को फिज़िकल uh, वायलेंस जिसमानी तशद में तब्दील नहीं करना चाहिए अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू दी मजस्टिस हाइट ऑफ मीटिंग फिज़िकल फोर्स विद सोल फोर्स कहते हैं बार बार हमें जो है अपनी जिसमानी ताकत को अपनी जो रूह की ताकत है उसकी हाइट तक उसकी बुलंदियों तक ले जाना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेसन आई है ड्रीम का पार्ट वन कंप्लीट होता है पार्ट टू पढ़ने के लिए आप इसे नेक्स्ट वीडियो देखिए